हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लासरूम। कैसे हैं आप सब लोग? अरे सर, आज आप कोट वोट नहीं डाल के आए? अरे ये रहा यार, कोट लगाओ पीछे। अच्छा, आज एकदम साफ साफ लग रहा है सर। अरे बड़े दिनों बाद मिलते हैं तो साफ साफ ही लगता है। कैन एनीवेज, चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन वेरियस सेक्टर्स। सर, अब तक मैं उस सवाल से परेशान हूँ जो मेरा पड़ोसी आके मुझे पूछता है और कहता है, अरे तुम सीएस कर रहे हो, ये सीएस क्या होती है, क्या करते हैं ये? ठीक है, काम? अच्छा, सेक्रेटरी हो? किसके सेक्रेटरी हो? कंपनी के कोई सेक्रेटरी होते हैं क्या? कहाँ से कर रहे हो सीएस? इनका कोई वैल्यू है? इसको उसकी वैल्यू है? कह रहा आज सर आपको यही बताएंगे कितनी वैल्यू है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेक्टर में कितनी हमारी पूछ है। पूछ मतलब जो पीछे लगती है सर, टेल नहीं, टेल नहीं। पूछ का मतलब यहाँ पर है कि कौन कौन से सेक्टर में आपकी इंपॉर्टेंस है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन आप जिस एरिया में इंटरेस्टेड हो उस एरिया में आप चले जाना। ठीक है, तो अब सर ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा कल को आने वाले टाइम में आपकी अपॉइंटमेंट किसी भी कंपनी में होगी तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये सारे काम है भी। अच्छा, वैसे तो तुम लोग काम करते करते ही इतना सीख जाते हो कि पूछो मत। हमारी लाइन में आपको जो पढ़ाया जाता है और जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें जिस तरीके से काम करा जाता है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उसमें काफी डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छा, होता यही है जो आपने देखा, होता यही है, बट प्रैक्टिकल सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। मैंने एक फॉर्म पढ़ लिया MGD 40, बट जब उसको फाइल करने के लिए जाता हूँ तो थोड़े से फंडे अलग होते हैं, तब वर्किंग देखी जाती है। अभी तक आपने वीडियो गेम के अंदर ही गाड़ी चलाई है, ठीक है, बट आप असलियत में चलाते हो, थोड़ा फर्क होता है। हाँ सर, फर्क तो बहुत होता है सर, बहुत होता है। एग्जैक्टली, यही चीज़ है, इसलिए इंटर्नशिप्स होती है। एनीवेज आगे चलते हैं सर। कह रहे सर देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी, आप लोगों को पता है कि कंपनी की एक लिमिट होती है, एक प्रिस्क्राइब पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट है, उसको पार करते ही आपको रखना है। कह रहा ओके सर, ओके। कह रहा कंपनी सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूं तो सर हमारा ब्रैकेट सेम KMP वाला है। कह रहा KMP वाला कौन सा? सर KMP तो कहीं पड़ा है, सर KMP तो कहीं पड़ा है। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 50। एक नंबर और बढ़ा लेना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट KMP। KMP के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, CFO, CEO और हम जैसे कंपनी सेक्रेटरीज ही आते हैं। ओके सर, ओके। तो हमारा जो ब्रैकेट है ना वो सेम है मैनेजिंग डायरेक्टर वाला, उसी की लेवल की टक्कर की पोजीशन है बस। ठीक है, पैसे थोड़े कम होते हैं शुरू में, बाद में बढ़ जाते हैं। सर मैं कितना कमा लूंगा? मैं 1 लाख रुपया कमा लूंगा सर। अरे यार तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? अगर आप कैपेबल हैं तो आपकी शुरुआत ही इतनी हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने कैपेबल हैं, आप कितनी नॉलेज रखते हैं, आप कितना काम करते हैं। बच्चे हैं यार, शानदार स्टार्ट लेके गए हैं, जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा का स्टार्ट लेके जा चुके हैं। हैं? हाँ, कभी गूगल करना, पता चलेगा। गूगल नहीं पता चले तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट चेक कर। कह रहा सर कंपनी सेक्रेटरी सबसे पहले तो KMP में आ गया है। मैंने कहा अच्छा। कहता है ऊपर से ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है। मैंने कहा ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होता है? कह रहा क्या आपने बच्चों को इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड नहीं पढ़ाया? मैंने कहा पढ़ाया है। कह रहा तो उसके अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं पढ़ाया? मैंने कहा पढ़ाया है भाई, पढ़ाया है, पढ़ाया है। कह रहा ठीक है सर। कह रहा सर इसके अलावा एक कंपनी सेक्रेटरी रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी है, मतलब वैल्यूएशन भी कर सकता है। अच्छा सर, हाँ। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करने वाला आदमी है, ठीक है, गवर्नेंस प्रोफेशनल है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सर कंपनी के अंदर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन में भी आता हूँ। ऑफिसर इन डिफॉल्ट माने यानी कि सर अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो आपको ही पकड़ा जाएगा, इनकम टैक्स में ही क्यों ना हो जाए, ऑफिसर इन डिफॉल्ट वहां भी आप ही हैं अगर आपने पढ़ा हो। खैर कोई बात नहीं सर, एक कंपनी की बात करूं तो जितने भी अप्रूवल्स लेने होते हैं, ठीक है, अप्रूवल्स फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज, सर रेगुलेटरी अथॉरिटीज बोलो, सेक्टोरल रेगुलेटर्स बोलो, MCA बोलो, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलो, RBI बोलो, कह रहा सर आप कुछ भी बोलो, जो भी अप्रूवल लेना होता है एक कंपनी के लिए वो आपको ही जाना पड़ेगा उस सरकारी जगह पे बात करने के लिए, उससे हाथ मिलाओ, चाय पियो, उसके साथ खाना खाओ, मिठाई के डब्बे दो, कुछ भी करो, है ना, कुछ गलत मत करना, बस कुछ गलत मत करना, अपना काम आपको ही करवाना है, आपको ही अप्रूवल लेना है। सिंपल सी बात बताता हूँ बेटा, आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होने जा रहा है फ्रॉम दिल्ली टू बिहार,
स्टेट चेंज हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आप लिख देना पेपर में, अगर नहीं याद है आरडी तो कि आरडी का अप्रूवल चाहिए, भूल गया हूं मैं तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल में लिख दूंगा। कह रहा सर ये अप्रूवल जो है फ्रॉम रजिस्टर्ड अथॉरिटीज मैं लूंगा, ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कह रहा सर और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, इंश्योरिंग कंप्लायंसेस, मतलब मेरी कंपनी पे कितने लॉज अप्लाई होते हैं कितने अप्लाई नहीं होते, ये सारे के सारे मुझे खुद को चेक करने हैं कि ये लॉ अप्लाई हो रहा है इसको लगाओ, ये लॉ अप्लाई हो रहा है इसको लगाओ, ये अप्लाई हो रहा है इसको लगाओ, क्या हम लॉ के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है बेटा, आप एक दुकान पे जाते हो, उस बंदे की दुकान है मान लीजिए मिठाई की, ठीक है, तो वो कितनी सारी चीजों का ध्यान रखता होगा, एक तो बिल बराबर कट रहा है या नहीं, बिल बराबर जा रहा है या नहीं, जीएसटी टाइम से जमा हो रहा है या नहीं, बिजली पानी के अंदर प्रॉपरली हमने काम करा हुआ है या नहीं, प्रॉपर फायर एग्जिट है या नहीं, है ना। उसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे तो आप क्या मिठाई जो बना रहे हैं वो सही तरीके से एज पर स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं या नहीं, इतनी सारी चीजें तो एक मिठाई के दुकान वाले पे अप्लाई हो जाती है। पर यही अगर मैं बात करूं इंफोसिस की, टाटा की, कुछ बड़ी कंपनीज की जिनका टर्नओवर ही करोड़ों रुपए में है, तो सोचो कितने कंप्लायंसेस होंगे। अरे बाप सर, बहुत ही खतरनाक। एग्जैक्टली, तो उसी कंप्लायंसेस के हिसाब से आपको बोर्ड का स्ट्रक्चर बनाना होता है, आपको चाहिए होता है कि इतने डायरेक्टर्स हैं, इतने मेरे पास केएमपीज हैं, इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, इतने कंपनी सेक्रेटरी होने चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तो ऐसी कुछ रेगुलेशन नहीं है कि इतनी लिमिट के बाद रखना है, सिर्फ कंपनी सेक्रेटरीज के साथ ऐसा है, ये लिमिट है और इस लिमिट के बाद आपको ऐसा रखना है। कह रहा सर चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, सर कंपनी सेक्रेटरीज का रोल क्या है, क्या करूं सर मैं क्या करूं अभी? कुछ नहीं बेटा, सिर्फ सत्संग की तरह मेरी बात सुनो और कुछ भी नहीं करो। कह रहा सर कंपनी सेक्रेटरी क्या है? गवर्नेंस प्रोफेशनल है, किसी भी टाइप की कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, कह रहा किसी भी टाइप की कंपनी हो, आपने लिमिट पार कर ली, अब आपको कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना ही करना है। कह रहा तो सर हम क्या सिर्फ लॉ को कंप्लाई करने के लिए रह गए हैं? नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जब भी बात आती है तो हमारा नाम सबसे पहले आता है, किसकी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, जो एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, उसी से, उन्हीं प्रैक्टिसेस से आपके शेयर होल्डर को, यानी कि जो आपका मालिक है जिसने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, उसको कॉन्फिडेंस आता है और उसी से आप आगे चल पाते हैं। ओके ठीक है सर, पुराने जमाने में एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत बहुत पहले की बात है, 1990s के आसपास की बात है, जब कंपनी सेक्रेटरीज की बात होती थी तो हमें सिर्फ इतना होता था कि आया सारे रिकॉर्ड इसके पास है, सारे रिकॉर्ड इसको देखना होता है, सारे रिकॉर्ड यही बना के रखता है, ठीक है, वो भी हमारी ड्यूटी है, हर एक रजिस्टर कंपनी का अपडेटेड होना चाहिए एज पर लॉ, आपको रिकॉर्ड रखने हैं, कोई भी काम हो रहा है लॉ के हिसाब से हो रहा है, लॉ की पूरी फुलफिलमेंट आपको करनी है। ओके सर, हमारा रोल ये नहीं है कि अगर घर से निकल रहे हैं घूमने के लिए कहाँ जाना है, हमारा रोल ये है कि अगर आप घर से निकले हैं तो अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो सबने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं, गाड़ी के प्रॉपर पेपर्स हैं या नहीं, गाड़ी के सारे टायरों में हवा है या नहीं, गाड़ी के सारे टायरों में प्रॉपर पेट्रोल या डीजल है या नहीं, ये सारी चीजें चेक करना आपका काम है, कंप्लायंस एज पर लॉ, आप रेड लाइट तो नहीं टाप रहे हैं, ये आपका काम है। ओके ठीक है, इसके साथ ही बहुत बार हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स की बात करूं, डायरेक्टर्स की बात करूं, मैनेजमेंट की बात करूं, या फिर बहुत बार आपके कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट होगा ह्यूमन रिसोर्स, आप उनके साथ बैठ के उनको बहुत सारी टाइप की प्रोफेशनल गाइडेंस देते, वो कहता है यार ईसोप लेकर आऊं या ESPS लेकर आऊं या स्वेटी कूटी लेकर आऊं, आपको खुद को ही नहीं पता भैंगड़ ये क्या होता है, हमें तो सब एक जैसा ही लगता है। कंसेप्ट क्लैरिटी सही होनी चाहिए, पैसे चाहिए तो ऐसे कोई पैसे नहीं देगा। बेटा एक बात को समझो, आपके घर में मेड आती है ना, आपको पता है ना मम्मी कितनी चिक चिक करती है मेड के साथ, अच्छा तुम कल नहीं आई थी, मेरे यहाँ सफाई करने आता है बेचारा, क्या देते हैं हम उसको? कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं, जिस हिसाब से आप लोग पे करके आए हो उस हिसाब से कुछ भी नहीं, कितनी चिक चिक होती है, अरे तू कल सफाई करने नहीं आया, ऑफिस कितना गंदा रह गया था, कितना 2500 रुपये महीना, 2500 पूरा ऑफिस साफ करता रोज। अब एक बात बताओ आप मेरे को, अब एक बात बताओ कि बेटा अगर अगर वो 2500 वाले के लिए इतनी चिक चिक है तो सोचो तुम्हारे लिए कितनी होगी, है ना, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। कह रहे सर चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कह रहे सर देखो अब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ डिसाइड किया, वो आपको शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करता है, आपने एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी है, AGM का कंसेप्ट पढ़ा है आपने? हाँ सर, AGM का कंसेप्ट पढ़ा है। बोर्ड ऑथराइज करता है कंपनी सेक्रेटरी को कि तू एक काम कर, चल सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस भेज, तो बोर्ड और शेयर होल्डर्स के बीच का जो लिंक है, ये जो ब्रिज है,
इधर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इधर आपके शेयर होल्डर्स हैं, इन दोनों के बीच का ये जो ब्रिज है ये कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है बेटा, यही आपका कम्युनिकेशन किसी भी टाइप के स्टेक होल्डर को भेजना हो, चाहे गवर्नमेंट को भेजना हो, चाहे किसी भी तरीके के रेगुलेटर को भेजना हो, तो कंपनी सेक्रेटरी इज द ओनली ऑथराइज पर्सन। सर मेरी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई और बंदे को ऑथराइज किया होगा आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये सारे काम करने के लिए। ओके सर, ठीक है सर, अब मैं ये सारा काम करूंगा, बट मुझे पता तो होना चाहिए ना मेरा क्या काम है, मेरा क्या काम नहीं है। मैं क्या एडवाइस करूंगा किसी को जब मुझे कुछ आता ही नहीं है? पेपर में तो मैं चैप्टर छोड़ के चला गया था, मुझे कुछ आता ही नहीं है, क्या बैंक एडवाइस करूंगा किसी को? कह रहे सर चलो, कह रहे बहुत बातें हो गई सर, बोलते बहुत हो आप, टॉपिक पे आ जाओ सीधा। मैं कहा ओके। कह रहे सर देखो, सबसे पहले तो आपको क्या है कि आपको पता होना चाहिए आपकी क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस तरीके की एडवाइस आपको प्रोवाइड करनी है, किस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऑपरेट होता है। कह रहे तो आपको आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये किताबों में लिखा हुआ वैसे इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना है, ऑनेस्ट तरीके से काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में काम करना है, ये तो हम हमेशा पढ़ते हैं। सर देखो अब क्या करना है, सबसे पहले अब बच्चा क्या करता है, बच्चा सीएस करता है। सीएस करने के बाद दो तरीके के बच्चे होते हैं, सबसे पहले बच्चा कहता है सर मैं जॉब करूंगा, और कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं अपनी प्रैक्टिस करूंगा। जो बच्चा कहता है कि सर मैं जॉब करूंगा उसको हम कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट, जो कहता है मैं प्रैक्टिस करूंगा उसको कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ठीक है, बाकी सब आप छोड़ सकते हो, आपको ऑलरेडी रोल्स फंक्शंस पता है। मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चल रहा हूँ। सर एक बात बताओ। हाँ पूछो। कह रहा सर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी किसको रखना है? सर रूल 8 ए हमने पढ़ा हुआ है, सर रूल 8 ए हमने पढ़ा है, हर एक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। गलत बेटा, ये बढ़ के 10 करोड़ रुपए हो चुकी है, प्लीज ये अमेंडमेंट है, इसको चेंज कर लेना। एवरी कंपनी कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन 10 करोड़ रुपीज इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। लिमिट चेंज हो चुकी है, ये 5 की लिमिट नहीं है, अब ये 10 की लिमिट हो चुकी है। ओके ओके ठीक है सर। सर जैसे आपने बाकी लोगों को रखा है अंडर द डेफिनेशन ऑफ KMP, जो मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर शुरू होते ही कि वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर है, CEO है, CFO है, होल टाइम डायरेक्टर है, CFO है, क्या सर ठीक इसी तरीके से हमारे पास कंपनी सेक्रेटरी भी है। कह रहा सर एक और चीज, मैं KMP में भी तो आता हूँ, बिल्कुल आता है KMP पे बेटा। कह रहा है Every listed company and every other public company having paid up share capital of 10 crore rupees or more is required to appoint a whole time company secretary as KMP. 10 crore से ज़्यादा है तो KMP में है। सर यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया? नहीं बेटा, यहाँ पर चेंज पूरा एज इट इज है। जो 5 वाली लिमिट है वो पूरी खत्म हो गई थी 3 जनवरी 2020। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ जो मेरे पास डेट्स थी यार, 3 जनवरी, अच्छा नोटिफिकेशन दैट वाज देयर ऑन 3rd of January 2019, बट गलत लिखा हुआ है, 2019 का नहीं है एज फार एज आई एम कंसर्न, 2020 है यार। कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल अमेंडमेंट रूल्स 2020। हाँ ठीक है, वो एक्ट में आपको कहीं ना कहीं अगर 2019 दिखेगा प्लीज अवॉइड करना, 2020 की ये बात है। जनवरी 3 को ऐसा हुआ था कि एकदम लिमिट जो है 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई थी, और जिससे लगभग 11,532 इन कंपनी सेक्रेटरीज की नौकरी को खतरा आ गया था। कह रहा है यार कैसे यार, नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी। नहीं, बट मैंने तो नहीं देखा, कुछ हार्डली 1-2 केसेस होंगे जिन कंपनीज को समझ नहीं आई इंपॉर्टेंस, उन्होंने वहां पे अगर जगह खाली होगी, कहता वरना नहीं, एवरीबडी इज वर्किंग। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी भेजी। क्या सर, खैर एनीवेज आगे चलते हैं, अबाउट फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सर मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मेरा क्या क्या काम बनता है, मेरे क्या फंक्शंस हैं, क्या मेरी ड्यूटीज हैं? क्या सर, सबसे पहले लिखा हुआ है ये सेक्शन नंबर 205, ठीक है, 2 से 5 ऐसे याद रखना, कितने हैं 2 से 5 काम करना है। ठीक है, कह रहे सर इसने क्या बताया मुझे, इसने मुझे साथ में प्लस करा रूल नंबर 10। कह रहे बेटा इसके साथ आपको रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014 ये इंक्लूड करेगा, और मुझे ये बताया गया कि कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या क्या काम है। कह रहे सर सबसे पहले तो आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टाइमली बताते रहोगे कि हमारे पे ये वाला एक्ट अप्लाई हो रहा है, ये रूल अप्लाई हो रहा है, इसके हिसाब से हमें काम करना है। सबसे पहले आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सारे कंप्लायंसेस के बारे में बताओगे कि सर ये लॉ अप्लाई होता है, ये एक्ट अप्लाई होता है, ये प्रोविजन अप्लाई होता है।
सर मुझे पता ही नहीं है तो कैसे बताऊंगा। आज का चैप्टर इसीलिए इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अगर आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आप वहां जाते ही सेक्टर वाइज कि कौन सी इंडस्ट्री में, कौन सी फील्ड में आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप इन सारे लॉस को चेक कर लेंगे। मैं फिर भी आपको एक छोटी लिस्ट दूंगा। भारत देश के अंदर एक्ट तो हजारों में बनाए हुए हैं, बट कितने करने हैं? कह रहे सर सबसे पहली बात तो एक्ट, ठीक है, दिस एक्ट लिखा हुआ, दैट मींस कंपनीज एक्ट, उसके अलावा जो रूल्स बने हुए हैं, और इसके अलावा जो अदर रूल्स हैं, अदर एक्ट्स हैं, अदर लॉस हैं जो आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं रियल एस्टेट की, तो उसके लिए रेरा अप्लाई होता है, रियल एस्टेट रेगुलेशन, राइट। तो सर अब ठीक इसी तरीके से आपको सारी चीजों को चेक करना है कि मुझ पे क्या क्या अप्लाई हो रहा है। घर से निकलने से पहले चेक करूंगा ना, आरसी है, इंश्योरेंस है, पॉल्यूशन है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब है भैया, सब है। तो यही चीज चेक करनी है एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू इंश्योर दैट कंपनी कंप्लायंस विद एप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। सर ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या होते हैं? जो आईसीएसआई ने इशू करे हैं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू करे हैं, आपको वो भी फुलफिल करने हैं। कह रहा सर और टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज विच इंक्लूड, कह रहा इसके अलावा और भी काम करने हैं। मैंने कहा वो क्या काम करने हैं? कह रहा सर जब जब जरूरत पड़े तो आप गाइडेंस प्रोवाइड करोगे कंपनी के डायरेक्टर्स को, जब पता चले कि सर अब क्या हम ये काम कर सकते हैं, या शेयर होल्डर से पूछना है, ये किससे पूछा जाएगा? कंपनी सेक्रेटरी से। सेक्शन नंबर 179 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपने पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर 180 आपने पढ़ा होगा। बोर्ड के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन सी नहीं है, अगर जरूरत पड़ती है तो कौन बताएगा? मेरा प्यारा कंपनी सेक्रेटरी ये बताएगा, ठीक है। टू प्रोवाइड टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली सच गाइडेंस एज दे मे रिक्वायर। ओके सर, मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें आप बैठेंगे क्या? ठीक है, बोर्ड मीटिंग आप पूरी की पूरी फैसिलिटेट करेंगे, आप चेक करेंगे कि एजेंडा बन गया है। बहुत सारे बच्चे जब ट्रेनिंग में जाएंगे, अब वहां पे क्या देखोगे बेटा, मीटिंग में अगर मैं किसी को बुला रहा हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं उसको बोलूंगा हाँ हेलो कल मीटिंग है आ जाइए। किस बात की मीटिंग है भाई, किस बात की मीटिंग है, क्यों बुला रहा है? तो ऐसे ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि शाम को चार दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ आ जा गप्पे मारेंगे, नहीं। कह रहे सर आप प्रॉपर एक एजेंडा बनाते हो, आप एजेंडा उस डायरेक्टर को भेजते हो, उनको बोलते हो कि सर आप आ रहे हो तो प्लीज हमारे को बता दो, आप नहीं आ रहे हो तो आप ऑडियो वीडियो से पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ऑडियो वीडियो से बता दो, ठीक है। टू फैसिलिटेट द कन्वीनिंग ऑफ, आप पूरी की पूरी मीटिंग को फैसिलिटेट करना आपका काम है। आपकी मीटिंग चल रही है, आप डिस्कशन कर रहे हो कि मर्जर क्यों हो या ना हो, बीच में एक बंदा आ जाता है, वो बंदा आ गया चाय लेके, अब आप क्या करेंगे? सर ऐसे कैसे कोई चाय लेके आ जाएगा, हम मर्जर की बात कर रहे हैं बीच में, तो क्या करोगे? फैसिलिटेट करोगे ना कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में। हम लोग क्या करते थे मैं बताता हूँ, बाहर एक बंदा खड़ा है, वो उस रूम के अंदर किसी को भी आने नहीं देगा, वैसे तो वो जो रूम है वो वहां पे किसी को एक्सेस ही अलाउड नहीं है, सारे बंदे बैठे हुए हैं। और उसके बाद क्या होता था सर, वो बोर्ड मीटिंग के अंदर हम लोग बैठे होते थे, ठीक है, अब बाहर दो बंदे खड़े हैं जो किसी को भी आने नहीं देंगे, अगर कोई बंदा कप उठाने भी जा रहा है, अब मान लो जैसे क्या होता है शुरुआत के अंदर इतनी माइन्यूट चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई आपने मान लो लेटस से कोई बंदा आया, आपने उसको वेलकम ड्रिंक दी अभी, ठीक है, अब उसके बाद वो खाली गिलास उठाने के लिए भी नहीं जाएगा अभी अंदर, उसके लिए भी प्रॉपर टाइम होगा। ऐसे नहीं क्या ठीक है काम चल रहा है कि जाके सामान उठाना शुरू, रेस्टोरेंट नहीं है वो, मीटिंग है, प्रोफेशनल मीटिंग है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। कह रहे सर पूरी की पूरी बोर्ड मीटिंग की बात करो, या तो फिर शेयर होल्डर मीटिंग की बात करो, एजीएम की बात करो, कमेटी मीटिंग की बात करो, उन मीटिंग को फैसिलिटेट करना और उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनाकर रखना, यानी कि मिनट्स बनाकर रखना कि मीटिंग में क्या क्या हुआ है, ठीक है। कह रहे सर अब देखो बहुत बार क्या होता है, आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है, कंपनी में कुछ भी काम करना है बिना बोर्ड के पावर के तो नहीं चलेगा, बोर्ड से तो बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं। आपने पढ़े होंगे रिलेटेड पार्टी की बात करूं, प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं, राइट इशू की बात करूं, शेयर होल्डर तक तो बात तब पहुंचेगी ना जब पहले बोर्ड अप्रूव करेगा। कह रहे सर जनरल मीटिंग में अप्रूवल की बात करूं, गवर्नमेंट में अप्रूवल की बात करूं, या किसी और अथॉरिटी से अप्रूवल की बात करूं, किसी भी एक्ट के अंडर आपको चाहिए तो आप मेरे कंपनी सेक्रेटरी जाओ लेकर आओ अप्रूवल, ठीक है। कह रहे अब आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट भी करते हैं बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स, इतनी सारी अथॉरिटीज होती है, ठीक है। कंपटीशन एक्ट के अंदर हमने पढ़ा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ट्राई एक अथॉरिटी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फेमा के अंदर आरबीआई, एनसीएलटी, एनसीएलएटी है,
सेबी है, सैट है, सर कहीं भी कुछ भी होगा आपको अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है। ओके, और कंपनी को चलाने के लिए आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी असिस्ट करते रहेंगे। ठीक है बोलो बेटा, जितनी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स है, आपने LODR पढ़ा है, जितनी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सारी की सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स को आप इंश्योर करते ही रहेंगे कि हाँ मेरा जो बोर्ड है, मेरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो पूरे तरीके से पूरी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सही तरीके से चला रहे। ठीक है बेटा बोलो, चले आगे, मूविंग अहेड। कह रहे सर देखो, अच्छा ठीक है दोबारा सवाल आ गया, कैरेक्ट टू डिस्चार्ज एंड सच अदर फंक्शंस, जो भी आपको किसी एक्ट किसी रूल के अंडर आपको, या तो फिर आपने आपको इसके अलावा बोर्ड ने एक और चीज बोल दी कि यार आप अपने डिपार्टमेंट का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है तो सर मैं ये काम तो करूंगा ही, इसके अलावा इन चीजों पर भी ध्यान। ठीक है चले आगे, सर कितना याद रखूं, सिर्फ इधर वाला। सर क्या मैं अगर मैं रूल याद रखने में गड़बड़ कर जाता हूँ तो इतनी सी बात याद रखना बेटा, सेक्शन नंबर 203 में अपॉइंटमेंट है, आपको बता रहा हूँ कैसे अपॉइंट कैसे याद रखना है। 20th of March को मैं ना एज अ CS अपॉइंट हुआ था, 20th of March को सर एज अ CS अपॉइंट हुए थे, ठीक है, और 20th of May को मेरे को बहुत सारी ड्यूटीज, ये वाले सारे काम मैं करने लग गया था। दो महीने लगे डेफिनेटली, मैं प्रोबेशन पे था। तो देखो यहाँ पे सर CS अपॉइंट क्यों, क्योंकि 20th of March यहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट जो है, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, रिक्वायरमेंट की कब अपॉइंट करना है, 20 मार्च को अगर मैं करता हूँ तो 20.3 आता है सेक्शन नंबर 203, और 20 मई से सर ने काम करना शुरू कर दिया था, यानी कि सेक्शन नंबर 20.5 205। ठीक है बेटा ऐसे याद रखना, पेपर में बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। ठीक है चलें आगे, स्टार्ट करें। सर स्टार्ट तो पहले से ही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या ना सर देखो एक बार बताओ, जो हमारे फंक्शंस हैं उसका क्या किया हुआ है, हमने उसको बड़ी सारी हेडिंग्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, हेडिंग्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले तो मेरा नाम है कंपनी सेक्रेटरी, तो मेरे पास सबसे पहले सेक्रेटरी वाले फंक्शंस होंगे। उस सेक्रेटरी वाले फंक्शंस क्या होंगे, जो सारे आपने अभी तक मेरे साथ पढ़े हैं वो सारे सेक्रेटरी वाले फंक्शंस थे, मतलब जो 205 में आपके साथ पढ़े हैं। शाबाश भाई, बताओ किसमें पढ़े हैं, किसमें पढ़े हैं, 203 में, 205 में। सर 205 में हमने आपके साथ पढ़े हैं, शाबाश, वेरी गुड। कह रहे सर आगे देखो, अब एक और बात करते हैं यार। कह रहा सर ये तो सेम चीज रिपीट हो रही है। हाँ यही सेम चीज रिपीट हो रही है कि बोर्ड कंपनी सेक्रेटरी को कुछ ड्यूटीज असाइन करता है, जिसमें सबसे पहले आता है सेक्रेटेरियल फंक्शंस। दैट मींस बेटा मैं यहाँ पे कुछ सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स आपको, छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको मार्क करवाऊंगा, उसके अलावा आप समझ लेना कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ, कंपनी लॉ और उसके अंडर कंपनीज एक्ट के अंदर रूल्स के बाद रेगुलेशंस के बाद आपके जो नोटिस सर्कुलर्स हैं, हर एक चीज आपको लॉ के हिसाब से करनी है। कह रहा सर और अगली चीज, कह रहा कंपनी का बिजनेस कहाँ लिखा होता है, कंपनी कौन सा बिजनेस करेगी कौन सा बिजनेस नहीं करेगी कहाँ लिखा होता है, सर MOA में, शुक्र है भगवान का, MOA के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है जहां पर ये लिखा होता है। आपको इंश्योर करना है कि आपकी कंपनी वही काम कर रही है जो MOA के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर, ठीक है। कह रहे सर आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपके इंटरनल अफेयर्स चल रहे हैं ये कहाँ लिखे होते हैं, इंटरनल अफेयर्स कहाँ लिखे होते हैं, सर AOA में, शुक्र है, आर मैनेज्ड विद इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बताया ना मैंने यार, पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को लोग बहुत हल्के में ले जाते हैं, बहुत हल्के में ले जाते हैं, उसका क्वालिफिकेशन तक आ जाती है उसकी वजह से सेक्रेटरियल ऑडिटर बोर्ड के अंदर। ओके कह रहे सर आपने एजेंडा बनाया, मैंने कहा We are going to prepare the agenda. कह रहा agenda जब आप बनाओगे तो अकेले बना दोगे, मैंने कहा नहीं chairman से पूछ के बनाऊंगा, ठीक है chairman से पूछने के बाद मैं ये agenda बनाऊंगा। कह रहा okay. कह रहा सर आप arrange करेंगे with and to call and hold meetings of board. कह रहा आप board meeting को क्या करेंगे, arrange करेंगे, board meeting को call करेंगे, meeting को convene करना पूरे तरीके से आपका ही काम है। कह रहा सर इसके साथ ही साथ आप board meeting को attend करेंगे और ensure करेंगे कि board meeting के लिए, जैसे आपने general meeting पढ़ा होगा बेटा, वहां पे quorum, chairman, proxy, voting,
ये सब चीजें थी। ठीक, सारी चीजें, चेयरमैन, वोटिंग है ना, कोरम, ये सब बोर्ड मीटिंग में भी है। प्रॉक्सी नाम की चीज नहीं है बोर्ड मीटिंग के अंदर। तो आप इंश्योर करोगे कि बोर्ड मीटिंग के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई हैं। ठीक है, आई बात समझ? कैसा टू प्रिपेयर, अगली बात, जो एजेंडा है या बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने बोर्ड मीटिंग के लिए तो प्रिपेयर कर ली, ठीक है, बट आप जनरल मीटिंग के लिए भी आप किससे प्रिपेयर करोगे? आप कंसल्टेशन चेयरमैन को कंसल्ट करने के बाद ही वो चीजें प्रिपेयर। ओके, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, आपकी चाहे जनरल मीटिंग है चाहे बोर्ड मीटिंग है, उसका एजेंडा प्रिपेयर करना। देखो वहां पे मैंने आपको बताया था मीटिंग को पूरा फैसिलिटेट करना, उस पॉइंट्स को तोड़ दिया मैंने बस। ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, कि कौन कौन मीटिंग अटेंड करने आएगा, जो मीटिंग अटेंड करने जाएगा, क्या मैंने उसको नोटिस भेजा है, जनरल मीटिंग है तो उसको साथ में नोटिस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजी है, क्या अगर वो मीटिंग अटेंड करने आ रहा है क्या मैंने उसको प्रॉक्सी फॉर्म भेजा है, जनरल मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में, सिर्फ नोटिस और एजेंडा। एजेंडा मतलब मीटिंग में क्या क्या करने वाले। ओके, आपको इंश्योर करना है कि सर देखो जब भी आप कोई भी शेयर ट्रांसफर करो, ठीक है, या शेयर्स को अलॉट करो या इशू करो, शेयर ट्रांसफर मतलब एक्स ने वाई को दे दिया, ठीक है, लैला ने मजनू को दिया, मेंटो नहीं, लैला ने मजनू को शेयर्स दे दिया, ट्रांसफर, लैला मर गई, मजनू को शेयर्स मिल गए, ट्रांसमिशन। कह रहे सर ये सारे के सारे एज पर द अप्रोप्रिएट लॉ ही हुए हैं, जो रिक्वायरमेंट्स थी लॉ की वो पूरे तरीके से फुलफिल हुई। ओके, आप इंश्योर करेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, जब भी आप किसी भी तरीके का कोई भी एग्रीमेंट बना रहे हो तो उस एग्रीमेंट पर वही बंदा साइन कर रहा है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज किया है। बेटा कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो कहीं पर भी साइन नहीं कर सकती। आपने देखा कभी कोई कंपनी, अरे क्या हुआ आज, क्या हुआ आज, एक कंपनी पर सलमान खान ने गाड़ी चढ़ा दी? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। क्यों? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी है तो सही, हम सबने सुना तो है पर कभी देखा नहीं है, है ना, है ना, देखा नहीं है कभी। कह रहे तो सर कंपनी साइन कैसे करेगी? कह रहा सर मैं कंपनी में किसी बंदे को ऑथराइज करूंगा और दैट पर्सन इज गोइंग टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, अगर मैंने किसी बंदे को ऑथराइज कर दिया कि भैया दीनदयाल, कि भैया एक काम करो, चलो नाम रखते हैं, चलो भैया छोटा भीम, एक काम करना आगे से जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा उस पे तुम साइन करोगे। अब छोटा भीम ने साइन करने हैं हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे, ये कौन इंश्योर करेगा? कंपनी सेक्रेटरी, कि सर ये ऑथराइज है यही साइन करेगा वहां पे, इसके अलावा कोई और साइन नहीं करेगा। ओके, जब जब जरूरत पड़ती है किसी भी तरीके से कोई भी लीगल मैटर पे एडवाइस करने की, कंपनी के सीईओ को, सीएफओ को, कंपनी के सॉलिसिटर्स को यानी कि एडवोकेट्स को, तो वो आप करेंगे। ओके सर, कह रहे सर अगली चीज, आपके पास कंपनी की कॉमन सील भी आपके पास होगी। कॉमन सील पहले बेटा मैंडेटरी थी, बट जैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 आया तो इसने आके ऑप्शनल कर दी। कह रहा आपकी मर्जी है सर, रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। कह रहा अगर रखनी है तो कॉमन सील कंपनी सेक्रेटरी के पास रखना। मैंने कहा ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, कह रहा सर मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग फंक्शंस कौन से हैं? रिपोर्ट किसको करना है? मेरे को रिपोर्ट मेरे को करना है सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अच्छा, ठीक है, किस बारे में? जो भी काम होगा, कि ये काम हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताऊंगा। अरे यार, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिटर्न्स होती हैं, MGT 7 की बात करूं, MGT 9 की बात करूं, MGT 14 की बात करूं, है ना, MGT 1 की बात करूं, 2 की बात करूं, आपके डिपॉजिट के रजिस्टर्स की बात करूं, चार्जेस की बात करूं, आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं एज पर कॉर्पोरेट लॉस। आपको इंश्योर करना है कि सर सारे रजिस्टर्स, सारे बुक्स प्रॉपरली बने हुए हैं। है सर? हाँ सर, है सर, हाँ सर। ठीक है, चलिए सर अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मतलब सर कोई भी बुक बनानी है, कोई भी रजिस्टर बनाना है, तो सबसे पहले वो मुझे ही बनाना है, दिस इज माय प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा सर अगली चीज, अलॉटमेंट करो, किसी बंदे को शेयर्स अलॉट करो, आप पब्लिक इशू लेकर आए, या आप मान लीजिए राइट इशू लेकर आए, आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लेकर आए। कह रहा सर आप कुछ भी लेकर आओ, अल्टीमेटली अलॉटमेंट जब आप करोगे तो वो लॉ के हिसाब से हो रही है, आपको चेक करना है। शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है, या आपको लॉ के हिसाब से हो रही है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, आपका जो चार्जेस है, चार्जेस पढ़ा है आपने, क्या होता था कि मैं बेटा प्रॉपर्टी देकर आ गया, मुझे पैसे चाहिए, पैसे पैसे दे दो, ये लो चीज, पैसे, ये प्रॉपर्टी गिरवी रख के पैसे ले आया। कह रहा सर वो चार्जेस को पूरे तरीके से लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है, ये आपको देखना है। सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर,
मीटिंग्स, सुनो दोबारा से सुनो, मीटिंग्स एजीएम हो चाहे बोर्ड मीटिंग हो चाहे ईजीएम हो, वो यहां पर आएगा बेटा, ठीक है। एमओए एओए यहां पर आएगा, इतना सा ध्यान रखना, बाकी सब यहां पर, बाकी हर एक चैप्टर यहां पर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अलॉटमेंट, इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस हैविंग प्रॉपरली कंप्लाइड, ठीक है। कह रहे सर अगली चीज, कह रहे टू कन्वीन अरेंज द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स फॉर देयर, कह रहे सर आप डायरेक्टर्स की मीटिंग्स को अरेंज करते हो, कन्वीन करते हो ऑन देयर एडवाइस। बोर्ड मीटिंग आप बुलाओगे? हाँ सर हम बुलाते हैं। नहीं 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 आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज करते हैं तो आप बुलाते हैं, ठीक है। कह रहे सर अगली चीज पे आते हैं, अगली बात पे आते हैं, टू इशू नोटिस एंड एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग्स टू एवरी डायरेक्टर ऑफ कंपनी, जो आपकी कंपनी का डायरेक्टर है, जो भी कंसर्न बनता है आप उसे, ठीक है, नोटिस भेजोगे। और सर ये मीटिंग की तो बात हुई, नहीं बेटा मीटिंग बुलाना, पोस्ट मीटिंग, पोस्ट मीटिंग समझ पा रहे हो, मीटिंग के बाद का जो काम है वो यहाँ पे है, मीटिंग से पहले वाला उधर ले जा। ओके सर, वैसे कॉमन कॉमन कर रखा है, तुम लोगों का कसूर नहीं है बेटा, कंफ्यूजन करने के लिए उन लोगों ने ही कॉमन कर रखा है, मिनट्स रिकॉर्ड करना, ठीक है। और जो भी आपकी पॉलिसीज हैं वो सारी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन चेक करना, क्या भाई काम प्रॉपरली हुआ है। कह रहा टू डील विद ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स, कि जो आपकी कंपनी है उसका और कंपनी के बीच का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो प्रॉपर तरीके से सही चल पा रहा है। अगर शेयर होल्डर को कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो उससे हम सही तरीके से डील कर पा रहे, ठीक है। कह रहे सर एक और चीज, जब आपका शेयर होल्डर आता है, सर कॉमन पॉइंट्स ही तो हैं सर, कोई बात नहीं बेटा, अब इंस्टीट्यूट अगर चाहता है कि तुम लोग कुछ पॉइंट्स याद रखो और पूरा काम कर लो, उतने में पूरा काम हो जाए तो क्या दिक्कत है। मैं अगर यहाँ पे अलग होता तो मैं कैसे काम करता, मैं क्या करता, मैं ना बिल्कुल शुरू से शुरू हो जाता। कंपनी लॉ मैंने पढ़ा है, सबसे पहले एमओए, नहीं उसके बाद में आता शेयर कैपिटल, उसके तीन चार पॉइंट लिख देता है, फिर मैं आता एडीआर जीडीआर प्राइवेट प्लेसमेंट राइट इशू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, है ना, ये सारी चीजें लिखता मैं, फिर मैं बायबैक के बारे में थोड़ा सा बात करता, फिर मैं चार्जेस के बारे में थोड़ी सी बात करता। कह रहा सर ये सारी की सारी चीजें, कह रहा मैं जनरल मीटिंग की बात कर ली आपने, मैं डिविडेंड की बात जरूर करता है यहाँ पे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन टाइम लिमिट एंड एज पर लॉ हो जानी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। कह रहे सर आपको ना स्टैट्यूटरी बुक्स भी बनानी होती है, ये भी आपका ही फंक्शन है। रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बायबैक की बात करूं, अरे बाप रे बाप, मॉर्गेज चार्जेस का रजिस्टर, मेंबर का रजिस्टर, MGD1 MGD2, ठीक है, MBP MBP सुना है आपने, डायरेक्टर ऑफिसर्स का रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस किस के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या फिर आप सीधी सी बात करो डायरेक्टर का नाम क्या है और डायरेक्टर के पास कितने शेयर्स हैं, कितने डिबेंचर्स, ठीक है। कह रहा रजिस्टर ऑफ लोकल मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, अगर आपकी एक फॉरेन कंपनी है तो सर हो तो आप यूएस में, बट इंडिया में आपके कितने लोग यहां पर ऑलरेडी हैं, कितने लोग आपके यहां पर काम कर रहे, ठीक है। अब आप अगर फॉरेन कंपनी है बेटा जिसे सबवे है, तो सबवे के लिए इंडिया में कौन है, अगर मुझे सबवे पे बात करनी है क्या मैं यूएस जाऊं, यूएस में जाके बोलूं कि हाँ भाई यहाँ का आरओसी बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट भेज दो, ठीक है। कह रहे सर अगली बात पे आते हैं, नेक्स्ट इज मिनट बुक, प्रॉक्सी रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, रजिस्टर्ड ओनरशिप, डिपॉजिट का रजिस्टर, डायरेक्टर शेयर होल्डिंग, ये तो ऑलरेडी हो चुका होगा, हाँ, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट एंड अपॉइंटमेंट जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, सेक्शन नंबर 184 सर, रिलेटेड पार्टी 188। मजे की बात क्या है, आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना ही काम कर लो काफी, ठीक है। चले आगे, मूविंग अहेड बेटा, आगे चलते हैं। कह रहे सर क्या इसके अलावा मेरी कोई और ड्यूटीज हैं, कह रहे बिल्कुल सर आपकी ड्यूटीज हैं ही। कह रहे कंपनी सेक्रेटरी को क्या करना है, यूजुअली अंडरटेक्स द फॉलोइंग ड्यूटीज, आपको इंश्योर करना है कि जो सारे फॉर्म्स हैं दैट आर फाइल्ड प्रॉपर्ली, आपने जल्दी से जल्दी सारे फॉर्म्स फाइल कर दिए हैं। कह रहे आपको इंश्योर करना है कि जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स हैं आपने उनसे प्रॉपर तरीके से कंप्लाई किया है। कह रहा आपको क्या करना है, आपको मेंबर्स और ऑडिटर्स को प्रॉपर नोटिस सर्व करना है। सर फिर से घूम के आ गया, स्पेशल रेजोल्यूशन पढ़ा है आपने, स्पेशल रेजोल्यूशन बेटा जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन भी देते हैं बहुतों को, नहीं सर याद नहीं आ रहा है, छी तुम्हारा कंपनी लॉ बेसिक है। कह रहा सर आपको क्या करना होता है, एक कॉपी ऑफ अकाउंट्स देनी है हर एक मेंबर को। बेटा सुनो, जब मैंने आपको बताया था या आपने कहीं भी चलो कंपनी लॉ पढ़ा हो तो आप क्या सुनते थे कि मैं नोटिस तो भेजता हूँ, नोटिस के साथ में भेजता हूँ बोर्ड रिपोर्ट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसमें क्या होता है कंपनी के अकाउंट्स होते हैं।
कंपनी की जनरल मीटिंग का नोटिस किस किस को दिया जाता है? सर, शेयर होल्डर को। गलत। हर एक शेयर होल्डर को, हर एक डिबेंचर होल्डर को, हर एक बंदे को, ऑडिटर को, डायरेक्टर को, सबको जाता है, सबको। एवरी डिबेंचर होल्डर एंड एवरी अदर पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। ओके, कह रहे सर, कीपिंग द मिनट्स ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स एंड जनरल मीटिंग्स। आप कंपनी की मीटिंग्स, डायरेक्टर की जो मीटिंग है और जो जनरल मीटिंग्स है, उन सब चीजों का रिकॉर्ड अच्छे तरीके से बनाकर, ठीक है? बोलो बेटा, चलिए आगे। हाँ सर, चलो। कह रहे सर, देखो एक और चीज कि आपने देखा है बहुत बार कि कोई बंदा आ जाता है, वो कहता है चार्जेस के, चार्जेस भाई इंस्पेक्ट करने आए हैं, हम रजिस्टर ऑफ मेंबर इंस्पेक्ट करने के लिए आए हैं, हम ये, हमारे को ये वाला रजिस्टर दिखाओ, हमारे को वो वाला रजिस्टर दिखाओ। कह रहे सर, तो आप इंश्योर करोगे कि ये रजिस्टर वही बंदा देखने आया ना जो उसको देखने के लिए एंटाइटल्ड है? उसने बोला, कोई भी बंदा अगर बाहर का आ जाए और आपको बोले कि मेरे को मिनट बुक दिखाओ, दिखाओगे? नहीं, नहीं। क्यों दिखाऊंगा? शेयर होल्डर हो आप, देख लो। कोई बंदा जा रहा है सड़क पे, कबाड़े वाले, वो आ गया, सर मेरे को ये चीज दिखाओ, आप दिखाओगे? नहीं। आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा बंदा कौन सी चीज को इंस्पेक्ट कर सकता है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कौन देख सकता है? सिर्फ मेंबर्स, ठीक है, सिर्फ मेंबर्स। ओके, अदर ड्यूटीज में आपके पास आता है कस्टडी एंड यूज ऑफ कॉमन सील, की जो कॉमन सील है उसकी कस्टडी किसके पास होगी और यूज कौन करेगा। क्या सर, अगली बात आती है अब एलओडीआर की। LODR क्या है? Listing Obligation and Disclosure Requirements। कह रहा सर, Company Secretary need to act as a Compliance Officer। कह रहा सर, as per Regulation Number 6 of SEBI LODR 2015, हर एक कंपनी को क्या करना है? अपने यहाँ पर Compliance Officer सिर्फ एक Company Secretary होगा। कोई भी और बंदा, ना कोई Chartered Accountant, ना कोई Cost Accountant, कोई भी, कोई बड़े से बड़ा वकील ले आओ तुम, कह रहा नहीं रखूंगा मैं, सिर्फ Company Secretary को ही कंप्लायंस ऑफिसर रखूंगा। सर मतलब कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर काम क्या क्या करता है सर? कहता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा बड़े सारे काम करने को। मैंने कहा जैसे? कह रहे सर, कंप्लायंस ऑफिसर को सबसे पहले तो वो ये काम करेगा जो एलओडीआर है वो उसको पूरा आना चाहिए। अरे यार ये क्या कह रहे हो सर? अगर आप एक भी चीज भूल गए, इंश्योरिंग कंफॉर्मिटी विद रेगुलेटरी प्रोविजंस एप्लीकेबल टू लिस्टेड एंटिटी, बिल्कुल ईमानदारी से। कह रहा ओके। कह रहा सर, आप कोऑर्डिनेट करोगे विद एंड रिपोर्ट करोगे किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को और डिपॉजिटरीज को कि हाँ भैया हम सारे तरीके से हर एक लॉ को पूरे तरीके से फुलफिल कर रहे हैं और हर एक बात को सही तरीके से मान रहे हैं। ओके, कह रहा सर एक और चीज, कह रहा आप इंश्योर करोगे दैट करेक्ट प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड, ठीक है, करेक्ट प्रोसीजर आपने फॉलो किए हैं, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन, सही रिपोर्ट्स आपने, इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय लिस्टेड, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय लिस्टेड एंटिटी। जो डिटेल्स बेटा मैं एलओडीआर के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज पे दे रहा हूं या कहीं भी दे रहा हूं, मैं इंश्योर करूंगा कि सारी डिटेल बिल्कुल सही है, कोई गलत इंफॉर्मेशन मुझे नहीं देनी। और एक और चीज, अगर आपके पास, देखो अब आपकी लिस्टेड कंपनी है तो डेफिनेटली शेयर होल्डर होगा आपके पास, इन्वेस्टर्स होंगे आपके पास, कह रहा सर जो इन्वेस्टर्स आपके पास अवेलेबल है, कह रहा वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स में से कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होंगे जिनको कंप्लेंट है। जब ऐसे एयरटेल है, इतने सारे कस्टमर्स हैं, कुछ ना कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं डेफिनेटली जो खुश नहीं है। कह रहा सर अब क्या किया जाए? कह रहा सर अब उन बेचारों की कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए आप क्या इंश्योर करोगे कि ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल डिविजन एज डेजिग्नेटेड एज लिस्टेड एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ Registering complaints by investors is properly सही है, ठीक है, is properly nice and is properly working, properly effective भी है। Okay sir, sir SEBI LODR, SEBI Prohibition of Insider Trading Regulations, ये भी आपको ensure करना है। Okay, ठीक है सर, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, हाँ ये तो एक नॉर्मल बता रहा हूँ, कोई भी कंपनी होगी ना, कोई भी कंपनी तो वो लिस्टेड तो हो ही जाती है यार थोड़े टाइम बाद, ठीक है। कह रहा कंपनी सेक्रेटरी एज अ पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, कह रहा सीनियर मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि वो बंदे जो आर हु आर अ पार्ट ऑफ कोर मैनेजमेंट टीम, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर आप बाहर कर दो तो उसके अलावा अब कोर मैनेजमेंट टीम के अंदर कंपनी सेक्रेटरी आता है। अच्छा सर,
1 अप्रैल 2019 को एक डेफिनेशन रिवाइज हुई, जिस डेफिनेशन ने ये कहा कि भैया सीनियर मैनेजमेंट विल ऑल्सो इंक्लूड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल्डिंग डायरेक्टर, मैनेजर, इंक्लूडिंग सीईओ मैनेजर अगर उनके पास नहीं है तो, एंड स्पेसिफिकली इंक्लूड सीएस एंड सीएफओ। ओके, कंपनी सेक्रेटरी एक कॉरपोरेट मैनेजर भी, मतलब सर कह रहा सर वो कंपनी के बारे में, कंपनी के रिलेशनशिप्स कैसे हैं बोर्ड के साथ, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ, सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है कंपनी, कह रहा जैसे आपको एक जगह एक बैंक का मैनेजर है उसको सब पता होता है बैंक के बारे में, कह रहा है इसको सब पता है बैंक कंपनी के बारे में। सर ये तो कुछ मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बेटा पास होते ही थोड़ी ले लेंगे तुम्हारे को इस पोजिशन पे यार, थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे थोड़ी होगा आप पास हो गए इतना सारा काम आपके ऊपर डाल देंगे, नहीं ट्रेनिंग होगी, आप पास हो गए टाइम लगेगा चीजों को ऐसे, ये जो बंदा ये सारे काम करेगा वो कम से कम कुछ लाख के अंदर होगा। अब आपको पहले दिन ले जाऊंगा मैं वहां पे, आप तो गड़बड़ कर दोगे, पता चले जितने की आपकी सैलरी नहीं है उतना आपने फाइन लगवा दिया। हाँ सर, कह रहे सर कंपनी सेक्रेटरी को ही इज रिक्वायर्ड टू एक्ट एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी टू द बोर्ड, कह रहे कंपनी के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, साथ ही साथ बोर्ड के भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव यही है, कहीं भी जाना होगा किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी पर जाना होगा, चाहे वो एनसीएलटी है, चाहे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, चाहे वो सैट है, चाहे आरओसी है, चाहे कंज्यूमर फोरम है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्रिब्यूनल, ट्राई की बॉडी है, कह रहे टैक्स अथॉरिटी है, या कोई और जुडिशियल बॉडी है, क्या सर हर एक जगह पर ये कंपनी सेक्रेटरी ही जाएगा और यही जाकर आपको वहां पर रिप्रेजेंट करेगा। ओके सर, क्या ना सर अब जो कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट में है उसके लिए तो ये काम है, जो प्रैक्टिस करने के लिए आ गया वो कह रहा सर सबसे पहले तो यही है कंपनी सेक्रेटरी एज एन सेक्रेटेरियल ऑडिटर, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास ऑडिट है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स के पास कॉस्ट ऑडिट है, कह रहा सर हमारे पास भी तो है। मैंने कहा वो क्या, कह रहा सर सेक्शन नंबर 204। तो कैसे याद रखेंगे कि सर का एक दोस्त है जिसका नाम है जुगनू, जुगनू भी सीएस है, हाँ जुगनू 20 अप्रैल को अपॉइंट किया गया एज सेक्रेटेरियल ऑडिटर। सर कहाँ का सेक्रेटरियल ऑडिटर है ये, इंफोसिस का। अच्छा, आपका दोस्त है सर हमारी ट्रेनिंग लगवा देना, झूठ बोल रहा हूँ, ऐसे जुगनू नाम का कोई दोस्त ही नहीं, ट्रेनिंग लगनी मुश्किल नहीं है हमारी लाइन में, तुम लोग अगर ये सोच रहे हो बेटा कि ट्रेनिंग लग गई उसके बाद तो मजे आ जाएंगे, नहीं नहीं यार नहीं, अल्टीमेटली आपको ट्रेनिंग में सिर्फ सिखाया जाता है, सबसे पहले आता है पेपर। इन प्रोफेशनल कोर्सेज में थोड़ा सा फालतू का ज्ञान है, 1 मिनट के लिए सुन लो बस, जब तक आपके पास डिग्री नहीं है ट्रेनिंग इज ऑफ नो यूज, ट्रेनिंग का कोई भी यूज नहीं है, कोई भी यूज नहीं। ओके ठीक है, कह रहा सर इन जो कंपनीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सारी कंपनीज को अपनी बोर्ड रिपोर्ट, यानी कि बोर्ड रिपोर्ट कहाँ है, सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 में, उस बोर्ड रिपोर्ट के साथ साथ इनको क्या करना है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से एक सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट भी लेनी है। शैल ऑब्टेन अ सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, कह रहा कौन कौन, कह रहा सर एक बात, सबसे पहले तो हमेशा जब भी आप फंसो एवरी लिस्टेड कंपनी लिख देना, सिंपल सी बात है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन है, एलओडीआर खत्म हो गया है पीछे, प्लीज। अब मैं एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे प्रैक्टिस में जाने वाले। कह रहा सर हर एक पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है, हर एक पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर कितना है, 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है, कह रहा तो उनको क्या करना है, सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस वो करेगा, वो आपको एक रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट को अपनी बोर्ड रिपोर्ट के साथ लगा के भेज देगा। ओके कह रहा सर अगली चीज सर कंपनी सेक्रेटरी हो ना, मैंने कहा हाँ, कह रहा आप एक्सपर्ट भी हो, मैंने कहा ये तो तुम कह रहे हो, कह रहा नहीं सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 ऑफ कंपनी एक्ट, कहता तुम एक्सपर्ट भी हो। सर ये तो मैं जितना पढ़ के आया था मैं तो भूल गया सारा, नहीं बेटा यू आर आल्सो एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट की डेफिनेशन के अंदर इट इंक्लूड्स वैल्यूएशन, आई मीन इंजीनियर, वैल्यूअर जो वैल्यूएशन करता है, ये जो वैल्यूअर की डेफिनेशन है ना ये भी वैल्यूएशन भी आप कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई और बंदा जिसके पास कोई भी पावर है एक सर्टिफिकेट इशू करने की, कह रहे तो आप भी एक एक्सपर्ट हैं। ओके मतलब सर जो कमेंट अमेंट करते हैं वो हम भी कर सकते हैं, हाँ पर देख के करना, कंपनी सेक्रेटरी एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर,
कह रहे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को क्या करना है। कह रहे सर देखो एक रूल्स आए हैं कंपनी रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017, जिसके अंदर इन्होंने साफ साफ बोला है कभी भी मुझे वैल्यूएशन करनी है, सर मेरे बराबर में प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू लगा रहा था मैं, उसने बोला इतनी वैल्यू नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है तुम टमाटर वाले के पास गए बेटा उसको बोल दिया अरे तेरी वैल्यूएशन करी है मैंने, 20 रुपए से ऊपर के टमाटर नहीं है तेरे। नहीं 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 कह रहा सर देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड वैल्यूएशन रूल्स आए, इन्होंने कहा इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक शेयर्स डिबेंचर्स सिक्योरिटीज एटसेट्रा। कह रहा जब भी ये काम करना होगा तो आपको क्या करना है, आपको वैल्यूएशन करानी है, ठीक है। और वो वैल्यूएशन कौन कर सकता है, दैट कैन बी दैट पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि सीए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि फिर से सीए या सीएमए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, या तो कोई एमबीए है, पीजी डीबीएम स्पेशलाइजेशन है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है फाइनेंस के अंदर जिसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। आपको अल्टीमेटली इतना ही ध्यान रखना है, आपको अल्टीमेटली इतना ही ध्यान रखेगा, पेपर में ये नहीं पूछेगा और कौन है, तुम्हारे बारे में पूछेगा तुम रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो कहाँ, कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017। ओके ओके चलिए सर आगे चलते हैं, ठीक है सर आगे चलते हैं। सर ब्रेक ब्रेक दे दो ना, टाइम हो गया हमारा। नहीं नहीं बेटा ये लास्ट टॉपिक पढ़ो उसके बाद ब्रेक देता हूँ। क्या डेफिनेटली सर एक बंदा जो है ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर अगर वो मेंबर है, ही इज अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे आप वैल्यूअर बन जाओ, आप अगर वैल्यूअर नहीं बन सकते तो उन्होंने आपको एग्जम्पशंस क्राइटेरिया दिए कि आप मेंबर कहीं और के हो, यहां पे आओ मेंबरशिप ले लो, हो गया काम। कह रहे उसके लिए क्या करना होता है सर, आपको प्रॉपरली एक वैल्यूएशन एग्जामिनेशन पास करना होता है, ठीक है। कह रहे सर 3 साल के अंदर within 3 years of date of meeting making the application, okay। उसके बाद आपके पास proper I mean qualification होनी चाहिए, experience होना चाहिए। छोड़ो यार सुनो मेरी बात, इसमें से जो आएगा वो आपको करवा देता हूँ, इन सबको हटाओ, ठीक है बेटा। जो आएगा सिर्फ वही मार्क करवाता हूँ, रामायण क्यों करनी बिना बात के, पहले रामायण कम है क्या जिंदगी, इतनी सारी बातें याद रखनी पड़ती है पहले। देखो कह रहे सबसे पहली बात सर माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। बोलो बेटा कह रहे वो इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, या तो उसने कोर्ट में अप्लाई ना किया हो कि हाँ भैया मेरे को बैंकरप्ट कर दो। कह रहे वो पर्सन जो है इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, कह रहे उसको कहीं से भी कोई भी इम्प्रिजॉनमेंट ना हुई हो, नॉट बीन कन्विक्टेड बाय एनी कम्पिटेंट कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस जिसकी सजा कितनी है, फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months, जिसकी सजा 6 महीने से ज्यादा है। देखो मोरल टर्पिट्यूड के केसेस क्या होते हैं, और एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, मोरल टर्पिट्यूड में 6 महीने से कम की सजा होती है। सर आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आपने टिकट नहीं ली, आपको पुलिस वाले ने रोका कि हाँ भैया चलान कटेगा, आपने क्या कहा रहे पैसे तो है नहीं, आपने उसको आर्ग्यूमेंट कर दिया, थप्पड़ मार दिया उसको, कह रहा सर 3 महीने की सजा होगी, मोरल टर्पिट्यूड, ठीक है। आप पुलिस वालों को अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहे हो, बीच में टांग अड़ा रहे हो, तो फिर तो लंबी चौड़ी सजा हो जाती है। बट कुछ भी ऐसे छोटे छोटे ऑफेंसेस जहां पर आप सर को आपको सजा हो गई 6 महीने की, ठीक है, तो अब आप बाहर हो गए। कह रहे बट सर अगर आपको सजा हुई है 6 महीने से कम की तो 5 साल बाद आप एलिजिबल। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कह रहे सर अगर आपको सजा हुई है 6 महीने से ज्यादा की तो 5 साल के बाद तो आप सीधा सीधा बाहर हो गए। कह रहे सर चलो एक काम करो और आसान करता हूं। मैंने कहा, कह रहे आपको सजा हुई है, मैंने कहा कितनी, कह रहा मोरल टर्पिट्यूड के केस में या कभी भी आपको सजा हुई है 6 महीने से ज्यादा की, मैंने कहा, कह रहा आप बाहर हो गए या 5 साल बाद, 6 महीने से ज्यादा की आपको अगर इम्प्रिजॉनमेंट हो जाती है, अब आप 5 साल के लिए बाहर। सर अगर मुझे 6 महीने से ज्यादा किया मुझे तो 7 साल की सजा होगी, जिंदगी भर आप अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। अगर सजा 7 साल से ज्यादा की है तो ही इज नॉट एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड। अगर बेटा मोरल टर्पिट्यूड है, 5 साल आपको हो चुके हैं तो 5 साल इलैप्स हो गए, आप आ जाओ। कहता बट अगर आपको ऑफेंस के अंडर सजा हुई है, देयर ऑफ फॉर एन इम्प्रिजॉनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 इयर्स और मोर, तो आप एलिजिबल अब नहीं हो। ओके ठीक है सर, ठीक है। कह रहा सर आपके ऊपर किसी ना किसी टाइप से कोई पेनल्टी लगा दी, हम पेनल्टी लगा दी कहां पे, देखो
तो कह रहा सर अब पेनल्टी जब भी लगती है आपके ऊपर, ठीक है, आपके ऊपर जब भी पेनल्टी लगती है तो आप अपील फाइल कर सकते हो, ये आपने पढ़ा है, कमिश्नर, सीआईटी अपील, उसके बाद आईटीएटी, पढ़ा है ये सर? सर याद नहीं है सर, कोई बात नहीं बेटा, अपील्स एंड रिवीजन नाम का एक चैप्टर होगा आपके इनकम टैक्स में, आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ना, आपको पता चलेगा कि आप कमिश्नर के पास जाते हो, सीआईटी अपील्स होता है, वहां अपील फाइल कर सकते हो, उसके बाद आईटीएटी पे जाते हो, आईटीएटी के बाद फिर आप और ऊपर धीरे धीरे प्रोसीड करते जाते हो। क्या सर आप पे पेनल्टी लग गई है? सर पेनल्टी तो लग जाती है सर, कहीं भी लग जाती है सर, मैंने ये रिटर्न फाइल नहीं करी, पेनल्टी लग गई मेरे पे। सर 271J की पेनल्टी तब लगती है बेटा जब आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दी है, ठीक है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन जब आप प्रोड्यूस कर देते हैं तो आप पर ये पेनल्टी लगती है, ठीक है, आपने रिटर्न फाइल करी बट गलत इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दी, आपके पास अपील करने का टाइम था, आपने अपील नहीं करी, आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई, तो 5 साल तक अब हम आपको अपॉइंट नहीं करेंगे। ओके सर, पेपर में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो क्या है, इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फिट एंड प्रॉपर पर्सन। मैं अगर होऊंगा ना, मुझे अगर मिलता है पेपर सेट करने को, तो मैं ये वाली टर्म दूंगा जहां कोई भी ध्यान नहीं देगा, कोई इस पे भी ध्यान नहीं देगा कि यहां रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन हो सकता है। मैंने तो ये बता दिया आपको कॉमन कॉमन चीज, मुश्किल वाली पढ़ाई को मुश्किल क्यों करना, आसान करो, इसलिए कॉमन चीजें मैंने आपको बताई। कह रहा सर जब भी मैं चेक करता हूं कि कोई इंडिविजुअल फिट या प्रॉपर है या नहीं, तो मैं कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखता हूं। मैंने कहा वो क्या? कह रहा उसका कैरेक्टर, उसकी रेपुटेशन, उसकी इंटीग्रिटी, क्या उसके ऊपर किसी भी टाइप की कोई कन्विक्शन या उस पर कोई रोक लगाई गई है, अगर कुछ ऐसे ऑर्डर्स तो नहीं है। कह रहा सर और उसकी कंपीटेंस, क्या वो लायक है, क्या वो सच में उसके पास एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। कह रहा और अगली चीज है फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, क्या वो फाइनेंशियली पूरे तरीके से सॉल्वेंट है, ठीक है, फाइनेंशियली सॉल्वेंट मतलब अब क्या वो अपने आस पड़ोस के सारे काम सही तरीके से कर सकता है या नहीं, ठीक है, चले आगे। नहीं सर अब ना ब्रेक दे दो सर, ब्रेक दे दो सर, बहुत पढ़ लिया सर, ब्रेक दे दो। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको देता हूँ अब ब्रेक, ब्रेक लेना बेटा 5 मिनट का, सर को ज्यादा लंबा काम है तो आप 5 मिनट का ब्रेक लेके वापस आ जाना, सर तो हाथ क्या यहीं पे बैठे हैं, तुम्हारे कट लग जाता है यार, ठीक है, ये क्लास को रैप अप करूँ? नहीं रैप अप नहीं करता हूँ, अगर रैप अप कर दूंगा तो प्रॉब्लम, ठीक है, तो एक काम करते हैं ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, 5 मिनट के बाद दोबारा, ठीक है, चलो बाय, टेक अ ब्रेक। हेलो एवरीबॉडी, आ गए वापस, चलें आगे। चलिए सर अब अगली बात पढ़ते हैं जहां पे हम बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। जी हाँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आपने पढ़ा होगा, उसमें एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हम लोग भी बन सकते हैं, ठीक है, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हम लोग भी बन सकते हैं। उसके लिए एक पेपर पास करना होता है, वो पेपर कंडक्ट करता है IBBI, किसकी बीबीआई, बीवी नहीं, वो आपके इंस्टीट्यूट को हम अप्रोच करते हैं, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, वो एक एग्जाम लेता है और हमारे को उस एग्जाम में पास होना है। पास होने के बाद हम लोग IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर हो जाते हैं। उसके बाद हम सीधा सीधा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो आपने पढ़ा होगा शायद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये सारे सारे वॉलंटरी लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी मैटर्स, इन सब के अंदर भी काम कर सकते हैं। क्रेडिटर्स का ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बनना, कह रहे ये सारी की सारी चीजें हम कर सकते, ठीक है। ओके सर, तो हैविंग पास नेसेसरी एग्जामिनेशन एंड रजिस्टर्ड विद IBBI, IBBI एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कैन टेक अप द मैटर्स रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसेस, इंटरिम और फाइनल दोनों, मूविंग हेड एंड एज वेल एज ऑल्सो टेक अप वॉलंटरी लिक्विडेशन केसेस। ओके चलिए सर, अब थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो अब सर पेपर देना कब होता है? एप्लीकेशन देने के 12 महीने के अंदर अंदर आपको वो पेपर पास करना है। अच्छा,
ठीक है, तो कौन सा बंदा, सबसे पहली बात अगर आप, मैं आपसे पूछूं दैट हु इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, हु शैल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इफ ही हैज पास, कौन रजिस्टर करवा सकता है खुद को IBBI पे? आपने पेपर पास कर लिया, पेपर पास करते ही विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, आप एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते, ठीक है बेटा बोलो। कह रहा सर और उसके अलावा, कह रहा जिसने क्या करा है, एक प्री रजिस्ट्रेशन एजुकेशनल कोर्स कंप्लीट कर लिया है कोई एक प्रॉपर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी से, आपने ये कोर्स कर लिया है, नहीं आई है अभी तक, कह रहा या तो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है नेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम, या तो फिर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम जो बोर्ड अप्रूव करेगा, अभी करा नहीं है, करेगा बाद में करेगा। कह रहा सर या तो आपके पास क्या है, 15 साल का तजुर्बा है, 15 years of experience in management, आपके पास एक नॉर्मल बैचलर डिग्री भी है, आप बीकॉम भी है तो भी चलेगा, बट आपके पास 15 years का एक्सपीरियंस है तो भी आप क्या कर सकते हो, आप सीधा सीधा एलिजिबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए। पेपर फिर भी देना पड़ेगा, पेपर हम फिर भी देते हैं। कह रहा आपके पास 10 years ऑफ एक्सपीरियंस है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी और एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, और या तो आप एक एडवोकेट हैं जो रजिस्टर्ड है बार काउंसिल पे, बेटा हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड हैं, मैं ICSI में रजिस्टर्ड हूँ, एक CA होगा ICAI में रजिस्टर्ड होगा, CMA होगा अपने यहाँ पर रजिस्टर्ड होगा, कह रहा एडवोकेट है बार काउंसिल पे रजिस्टर्ड है। अच्छा कह रहा सर अब वो बंदे क्या कर सकते हैं, वो जाकर एग्जाम देंगे और एग्जाम के अंदर खुद वो पास होंगे और उसके बाद जाकर खुद को रजिस्टर करें IBBI के पास, उसके बाद वो इंसॉल्वेंसी रिलेटेड मैटर्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कह रहे सर कंपनी सेक्रेटरी एज एन इंटरनल ऑडिटर, कह रहा जी हाँ सर, सेक्शन नंबर 138, कंपनी सेक्रेटरी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है, जी हाँ। सबसे पहले तो एक ही क्वेश्चन होता है यहाँ पर जो पूछा जाता है पेपर में कि इन विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, क्या एक इंडिविजुअल होगा, एक फर्म होगी या एक कंपनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सेक्रेटेरियल ऑडिटर नीड टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, कॉस्ट ऑडिटर नीड टू बी अ CMA, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नीड टू बी अ आई मीन स्टैट्यूटरी ऑडिटर नीड टू बी अ CA, इंटरनल ऑडिटर कैन बी एनीबॉडी, CA, CMA कोई भी, ठीक है। कह रहा आपको अपॉइंट करना है एक इंटरनल ऑडिटर, वो इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, कौन कौन सी कंपनीज को अपॉइंट करना है, सबसे पहले हमेशा क्या लिखेंगे बेटा, लिस्टेड कंपनी, और उसके बाद एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है पिछले साल के अंदर, टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है, या तो जिसने आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स ली हुई है बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और जो एक्सीड करती है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा, एक्सीडिंग 100, ठीक है। कह रहा है और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स जिसके कितने हैं 25 करोड़ रुपीज और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा अगर यही मैं बात करूं किसी प्राइवेट कंपनी के बारे में तो उसको आपके लिए बहुत आसान है ये याद करना, मैं आपको बता देता हूं ये चीज। देखो ये वाले जो दोनों पॉइंट्स है बेटा, टर्नओवर वाला और आउटस्टैंडिंग लोन, टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ रुपीज और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स, ठीक है, एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीज और मोर। कह रहा सर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये प्राइवेट कंपनी पर भी अप्लाई होते हैं, तो स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, स्मार्ट बच्चा सबसे पहले लिस्टेड कंपनी याद रखेगा और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ये दो पॉइंट सबसे पहले याद रखेगा, ठीक है। मे बी हो सकता है पेपर में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए बट मैं आपको पहले बताता हूँ। सर सबसे पहले हम इसको कैसे याद रखते हैं, सर मेरा मोबाइल नंबर आपके पास नहीं होगा, मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए, लिखो 50250, लैंडलाइन नंबर देता हूँ आपको, ठीक है, 50250100 50। अच्छा अब एक और चीज बताऊं आपको याद करने का, एक और आसान तरीका बताऊं, ये 250 तो आपने याद कर लिया सर, 250 क्या है, सर मेरा टर्नओवर है, ठीक है, और 100 क्या है, 100 इज माय आउटस्टैंडिंग लोन्स,
कह रहा सर ये दोनों चीजें, दिस इज 50 एंड दिस इज 50, देख रहे हो बेटा, याद करने की आसान ट्रिक बता रहा हूँ। मेरी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी ज्यादा होनी चाहिए, 50 से ज्यादा, और मेरे आउटस्टैंडिंग लोन्स, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट सॉरी, कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए जल्दी बोलो, 50 से ज्यादा, तो मुझे क्या रखना है। और ये दोनों तो मेरे को प्राइवेट कंपनी के लिए भी चाहिए, याद करना आसान है पक्का। मैं जो कहना चाह रहा था आप समझ गए, वो मैं जो कहना चाह रहा था वो समझ गए कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपए से यहाँ जाना हो ज्यादा होनी चाहिए। और आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, नहीं 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 सॉरी, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, थोड़ा गलत कर दिया, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, इसको थोड़ा सा याद ऐसे करेंगे, 50 एंड 25, और 25 करोड़ रुपीज हो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25। अब एक काम करें, थोड़ा सा और टेढ़ा है ये, थोड़ा सा और टेढ़ा है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट के डबल पीयूएससी है। ऐसे मैं कुछ कोशिश करता हूं, बट मेरी कोशिश अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज अवॉइड कर देना। इंटू टू इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल इंटू टू इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग लोन्स, आउटस्टैंडिंग लोन्स इंटू 2.5 इज इक्वल टू टर्न ओवर, ठीक है बेटा, आई बात समझ, बोलो। आउटस्टैंडिंग लोन्स और टर्नओवर, ये दोनों चीजें आपकी प्राइवेट कंपनी में भी आती है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने बनाने की कोशिश करी। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही हो, लग रहा हो आप किसी और तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं, तो प्लीज इस फॉर्मूले को छोड़ देना, ठीक है। थोड़ा सा और आगे आपको लेके चलता हूँ। कह रहा सर देखो, हमने तो बहुत बार देखा है कि इंटरनल ऑडिट मैं किसकी करूंगा, उन सारी कंपनीज की, बिल्कुल, बट इसके अलावा भी हमने बहुत बार देखा है कि कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस वो क्या करते हैं, दे आर अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर्स, और वो इंटरनल ऑडिट कर रहे होते हैं किसकी, पोर्टफोलियो मैनेजर्स की, स्टॉक ब्रोकर्स की, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इकरा क्राइसिल है, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स हैं, इंटरनल ऑडिट एंड कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ईयरली ऑडिट होती है एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की, ठीक है, जो आपका पैसा लगवा रहे हैं कहीं पे। पोर्टफोलियो मैनेजर क्या कर रहा है, प्रॉपर पोर्टफोलियो बनवा के आपके पास 1 करोड़ रुपए अलग अलग डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज में लगा रहा है। एनुअल कंप्लायंस ऑडिट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, कह रहा रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट, कह रहा कंपनी सेक्रेटरी एज जीएसटी प्रोफेशनल, ये सारे एरियाज भी हैं। सर क्या मुझे याद करना है, नहीं, पेपर में जो लिखने को आएगा उसमें इससे कुछ भी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, रेलेवेंट ये था रेलेवेंट, ठीक है, लिमिट थी रेलेवेंट, जहां पे बेटा नंबर दिखेगा ना एग्जामिनर को, आपने वो नंबर सही लिखा है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अगर आप चाहो बीइंग एज अ कंपनी सेक्रेटरी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यू कैन आल्सो प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज, ठीक है, एडवाइजरी सर्विसेज और स्ट्रेटेजिक एडवाइजर। मतलब सर देखो, जीएसटी की बात करूं, या बहुत बार आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाली सर्विसेज कोई नहीं देता है, कोई एमबीए आ जाते हैं 2-4, सिर्फ मुझे पर्सनली बताऊं तो वो एमबीए जो 2-4 आ गए हैं, आगे स्ट्रेटेजी बनाकर दे देते हैं, बस हो गया काम, कोई एक्सप्लोर ही नहीं करता है उस लाइन को। आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, बट कितने बच्चे हैं उस लाइन के अंदर। कह रहा सर यहाँ भी इसने एडवाइजरी सर्विसेज और स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बताया, कह रहा लॉ को लेकर, लॉ को लेकर बता दो भैया, क्योंकि हमारी लॉ में नॉलेज अच्छी है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आप प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको लिए सर ये वाला सिस्टम ज्यादा बेटर है, आपके लिए वो सिस्टम ज्यादा बेटर है। एक बंदा है, वो कोई बिजनेस करना चाह रहा है, आप उसको बता सकते हो कि हाँ आपको कंपनी बनानी चाहिए या फर्म बनानी चाहिए, आपको प्राइवेट कंपनी बनानी चाहिए, पब्लिक कंपनी बनानी चाहिए, आपकी कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, अनलिस्टेड होनी चाहिए, कौन सी कंपनी में फंडिंग इजिली मिल जाती है, कौन सी कंपनी में लॉ ज्यादा अप्लाई होता है, बेसिक चीजें बता रहा हूँ अभी आपको, बेसिक, क्योंकि मुझे पता होता है कि डब्बा सारा गोल है। क्या सर टैक्स प्लानिंग, जैसे मैं हूं, मैं फाइनल में आया, मैं टैक्स में फेल हो जाता था हर बार। सर आप फेल हो गए थे, हाँ बिल्कुल, तो मैं टैक्स में फेल हो जाता था, करते 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 मैं हमेशा, मेरी बारी क्या होता था, 4 ग्रुप होते थे, ठीक है, मैं 2 ग्रुप देता था, एक टैक्स का और एक दूसरा, हमेशा मेरा टैक्स का ग्रुप रह जाता था और दूसरा निकल जाता था। कह रहा सर ये क्या था, टैक्स प्लानिंग, ये क्या था, टैक्स प्लानिंग। कह रहा सर टैक्स प्लानिंग थी ये, नहीं, इससे मुझे टैक्स इतना ज्यादा आ गया कि मैं टैक्स प्लानिंग भी कर सकता। कह रहे सर प्रोसीजरल कंप्लायंसेस के बारे में भी आप एडवाइस कर सकते हो,
मैंने कहा वो कैसे? कह रहे सर देखो प्रोसीजर क्या मतलब होता है, रिटर्न्स कैसे फाइल होंगी, असेसमेंट कैसे होगी, या चलो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीजें तो स्टैम्प एक्ट के अंदर है जिसमें हम डील करते हैं, पता है आपको? स्टैम्प एक्ट के अंदर, लेबर लॉस के अंदर, आईपीआर के अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब की प्रोसीजर क्या है? किसी बंदे को पेटेंट लेना है, किसी को ट्रेडमार्क लेना है, कैसे लिया जाता है? कंपनी सेक्रेटरी, बुक एंड रिकॉर्ड कीपिंग सर्विसेज। बहुत सारी कंपनीज ने तो क्या किया हुआ है कि बहुत छोटी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, तो वो क्या करती है, उनकी मीटिंग होती है तो उनको नहीं पता मिनट्स वगैरह कैसे मेंटेन करते हैं, वो मिनट्स मेंटेन करने का काम उन्होंने आउटसोर्स किया। अच्छा तो सर मतलब मिनट्स के मीटिंग के अंदर जो जो होता है वो एक रफ फॉर्मेट आपको दे देंगे और आप उनका काम करोगे? हाँ, तो कुछ ज्यादा उल्टे सीधे पंगे में नहीं फंसना बेटा। हाँ, रिप्रेजेंटेशन आप क्या करते हो, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हो आपके पास। जब भी एक कंपनी को क्या करना है, मान लो वो, मैंने बताता हूँ हमेशा से ही एक घिसा पिटा एग्जाम्पल, दिल्ली से बिहार जाना है, आरडी के पास एप्लीकेशन लगाई तो क्या कंपनी जा सकती है? नहीं सर, कंपनी नहीं जा सकती। किसको जाना पड़ेगा? कंपनी की जगह पर जाना पड़ेगा एक प्रोफेशनल को, एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल को, वो कंपनी ऑथराइज करेगी, उसके बदले में वो प्रोफेशनल अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करेगा और वो प्रोफेशनल को उस कंसर्न अथॉरिटी पे, एनसीएलटी पे, आरडी पे, सीसीआई पे, सेबी पे, सैट पे, हर जगह उसको रिप्रेजेंट करेगा। एपलेट वर्क से मतलब होता है कि सर एपलेट वर्क, अपील वाला जो काम है आपका, वो कंसर्न काम, या तो फिर आप कह सकते हो एपलेट का मतलब है यहाँ पर जस्ट इन टू योर अप्रोप्रिएट वर्क विच इज लाइंग इन टू योर फील्ड। हर एक बंदे के पास डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज है। कह रहे हाँ सर आपकी एक्सपर्टीज अलग है, मेरी अलग है, दूसरा टीचर आपको टैक्स पढ़ाता है उनकी एक्सपर्टीज अलग है, मेरी अलग है। कह रहे सर तो एपलेट वर्क इज एवरीबडी डू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एपलेट वर्क, हर किसी का अपना अलग एरिया ऑफ सर्विस है। कह रहे तो इसी तरीके से आप भी अपना एपलेट फील्ड, अप्रोप्रिएट फील्ड डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आखिरी पॉइंट गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात। कह रहा सर सर्टिफिकेशन सर्विसेज, ये तो चलिए मैं आपको बता बता कर ही थक गया हूँ, इसको मैं बेटा दोबारा से नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपनीज एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसेज एंड पेनल्टीज, वहां पे बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जो आप सर्टिफाई करते हैं। ठीक है, INC 21, INC 22, SPICE 32, PAS 3, चार्जेस के फॉर्म, आप सिर्फ ऐसे याद करना, देखो आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले रिलैक्स रहना है। कह रहा सर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने कहा आपको चैप्टर वाइज चलना है, चैप्टर वाइज। ठीक है, देखो चैप्टर वाइज कैसे, सर सबसे पहले चैप्टर से शुरू हो जाऊंगा। हाँ, फॉर्म कौन सा सबसे पहले आप फाइल करते थे? चलो ठीक है, पहले तो आपने मे बी शायद आपने अपने हमारे जमाने वाले फॉर्म्स नहीं पढ़े हैं, तब हमारे जमाने में सब होता था INC 12, 7, 8, बट अब तो सीधा SPICE 32 पढ़ा है हमने, फटाक से एक फॉर्म फाइल करो काम हो जाएगा। कह रहे सर देखो बट अब द फॉलोइंग फॉर्म्स फाइल्ड बाय द कंपनीज शैल बी प्री सर्टिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले आता है GNL 1, DPT 3 डिपॉजिट्स, MGT 10। MGT 10 क्या होता है? MGT 10 क्या होता है सर? वो सर्टिफिकेशन होती है ना। हाँ, MGT 10 क्या होता है जल्दी बताओ? चेंजेस इन टॉप 10 शेयर होल्डर्स। पता नहीं कौन ले गया था वहां पर सर, एनुअल रिटर्न सर्टिफाई करते हैं। अच्छा, अब ये बोल देना है ना AGM की रिपोर्ट होती है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी। कह रहे सर AOC 4, AOC 4 आपने पढ़ा होगा, फाइनेंशियल्स के बारे में होता है बेटा, AOC 4, XBRL, ऐसा कुछ सुना होगा। कह रहे ये फॉर्म्स आप सर्टिफाई करते हो, इसके अलावा भी आप INC 21, 22, 28, PS 3, SH 1, CHG 1, उसके बाद DIR 6, MGD 14, MGD 14 तो रोज ही फाइल होता है, MR 1, MR 2, MSC, MSC 3, MSC 4, ADT 1 इज फॉर ऑडिटर्स। कह रहे ये सारे फॉर्म्स मैं सर्टिफाई करता हूँ, क्या पैसे मिलते हैं सर? ये तो पूरी दुनिया कर रही है यार, ये तो सभी कर रहे हैं, हर एक कंपनी सेक्रेटरी बाद में आएगा, पहले वो फॉर्म सर्टिफाई करेगा लोगों को कि तूने भर दिया, ये ले चेक करके भेज दिया मिनिस्ट्री पे, फाइल कर दिया, मेरे को पैसे दे दियो, 2,000 रुपए दे दियो, 3,000 रुपए दे दियो। नहीं यार, ठीक है, बोले बेटा थोड़ी सी आगे चले। हाँ सर, चलो आगे चलते। कह रहा है अब अगली बात समझना, धीरे धीरे एरिया और बढ़ता जा रहा है। कह रहा है रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज की जो मैं आपसे बात कर रहा था, तो आप क्या करते हो, कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हो, ये सारी अथॉरिटीज देखो जितनी भी लिखी हुई है यहाँ पे, रजिस्ट्रार के सामने, NCLT के सामने, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया, कंपटीशन कमीशन के सामने, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने, टेलीकॉम डिस्प्यूट ट्राई के अंदर है ये, रेरा के अंदर जो बॉडी है उसके वहां पे,
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, कंज्यूमर फोरम, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्रिब्यूनल, टैक्स अथॉरिटीज के सामने, कह रहे कंपनी सेक्रेटरी क्या है, कह रहे आईपीआर एक्सपर्ट भी है सर, आईपीआर एक्सपर्ट, कह रहे हाँ, कह रहे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट, आपका अगर कोई मैटर है आईपीआर का अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ। अच्छा, आधों को तो हमारे को यही नहीं पता ट्रिप्स क्या होता, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यहाँ पे अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरा प्यारा कंपनी सेक्रेटरी वहां पे उनको एडवाइस करेगा। सर मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन, मैंने कहा ना कि हर एक डॉक्टर अलग अलग होता है, दांतों का डॉक्टर अलग है, आंखों का अलग है, सिर पे बाल उड़ जाएंगे उसका अलग है, ठीक है। कह रहे हर किसी की अपनी अलग एक्सपर्टीज होती है, मुन्ना भाई पिक्चर नहीं चल रही है कि अपने को फुल फ्लेज डॉक्टर बनने। आईपीआर एक्सपर्ट जैसे कि अब, अच्छा बहुत बार एंटी डंपिंग हो जाती है, सब्सिडी हो जाती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज हो जाती है। ये क्या होती है कि बाहर की जो कोई कंट्री है, मान लो चाइना में एक चीज बिकती है वो है 10 रुपए की वहां पे, बट वो हमारे यहाँ पे 5 रुपए की बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, हमारे यहाँ की मार्केट खराब करने के लिए, एंटी डंपिंग, ठीक है। वहां की गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है इस बात को लेकर, काउंटर वेलिंग मेजर्स, क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। कह रहा सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर, प्रोसीजर्स को लेकर, आपको पता ना 5-5 साल के लिए ये पॉलिसीज बनती हैं। कह रहा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट्स, इन चीजों को लेकर मेरा कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, बताएगा सर, बताएगा। कह रहा सर अब यहाँ पे एज एन एक्सपर्ट बियॉन्ड लॉ, बियॉन्ड कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के अलावा आपने दुनिया जहान के एक्ट पढ़े हैं, अच्छा पूरा सिक्योरिटी लॉ यहाँ पे आ जाएगा, पूरा सिक्योरिटी लॉ जो आपने पढ़ा है, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस, सेबी, एससीआरए, डिपॉजिटरी एक्ट पढ़ा है ना बेटा, फेमा पढ़ा है, फेमा, फेमा आज शाम को सर फिर से फेमा पढ़ाएंगे तुम्हारे को, नहीं किसी और को, इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल लॉस, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉस ये पढ़ा है, मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन, मिनिमम रेम्यूनरेशन, मेटर्निटी एक्ट है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, कॉम्पिटिशन पॉलिसी, कॉम्पिटिशन एक्ट आपने पढ़ा है, पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, अनफेयर कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। कह रहा सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है, और मुद्दे की बात की ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल एक्ट। कह रहे आप सर ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हो, कह रहे कुछ तो ऐसी सर्विसेज हैं जो हम सीधा सीधा कंपनी सेक्रेटरी एज अदर सर्विसेज प्रोवाइडर, आपने बहुत बार देखा ना कंपनी में ई वोटिंग प्रोसेस होता है, उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी को एज अ स्क्रूटनाइजर भी अपॉइंट किया जाता है। जब हम देखते हैं ना बेटा ई वोटिंग हो रही है, सारी दुनिया ने वोट डाला, तो आई नीड एन इंडिपेंडेंट पर्सन जो उसको देखेगा और बताएगा कि हाँ सर रेजोल्यूशन पास हो गया, दैट स्क्रूटनाइजर कैन बी अ कंपनी सेक्रेटरी। आप चाहो तो कंपनी लिक्विडेटर या प्रोफेशनल लिक्विडेटर बन सकते हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है तो एग्जाम पास करना पड़ेगा, टेक्निकल मेंबर ऑफ एनसीएलटी ये भी आप बन सकते हो, बट उसके लिए आई मीन दैट रिक्वायर सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, थोड़ा सा एक्सपर्टीज और थोड़ा सा तजुर्बा वहां पर चाहिए होता है, 20-20, 25-25 साल बाद लोग अपॉइंट हो जाते हैं। अच्छा फिर सरकारी में चले जाते हैं, हाँ आप पैनल में आ जाते हो, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी हैज अदर सर्विसेज प्रोवाइड। कह रहे सर अदर लॉस के अंदर देखो तो अब इश्यू ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज अगर आप करने जा रहे हो तो आपको कौन सी सिक्योरिटीज इशू करनी चाहिए, किस तरीके से इशू करनी चाहिए, कब इशू करनी चाहिए, क्या इशू करनी चाहिए। कह रहे बैंकिंग सर्विसेज जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे से देखा है सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट वाला चैप्टर, या आपने कभी पढ़ा हो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, चार्जेस पढ़ा हो, कंपनीज आज के टाइम पे लोन देने से पहले, ठीक है, लोन देने से पहले कंपनी सामने वाले की रेपुटेशन सब कुछ चेक करवाते हैं। अगर आज मैं कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो बैंक क्या कहेगा, सर आप अपनी आईटीआर दिखाओ, है ना, सर आप अपनी आईटीआर दिखाओ, अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, तब हम आपको क्रेडिट कार्ड देंगे। मैं बोलूंगा यार मेरे को मर्सिडीज दे दो, कहेगा पहले अकाउंट दिखा, तो मर्सिडीज लेगा भी, है ना। तो बैंक क्या करता है, ऐसी ड्यू डिलीजेंस करवाता है, कह रहा ठीक इसी तरीके से बैंकिंग सर्विसेज में भी हम हेल्प करते हैं, ड्यू डिलीजेंस हम लोग ही करके देते हैं कॉर्पोरेट्स का। कह रहे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कह रहे फाइनेंस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सर्विसेज ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस अकाउंटिंग के अंदर आपको पता है मेरे को बजटरी कंट्रोल वाला चैप्टर सबसे आसान लगता होगा, वर्किंग कैपिटल वाला थोड़ा मुश्किल लगता होगा, है ना। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, या मैं अगर किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी की बात करूं कि कोई प्रोजेक्ट है हमारे लिए कितना फायदेमंद है कितना बेकार है, ये आप कैलकुलेट करते हो। टैक्स प्लानिंग करते हैं हम बहुत बार, है ना, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं बेटा, ये सारा हमारा अपना एरिया है। ओके सर, बस 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 बस।
इसके अलावा चेंज नहीं करूंगा। और एड ऑन तो कर सकता हूँ बहुत इजीली, बहुत इजीली, बहुत टाइम है बट अभी नहीं, ठीक है अभी नहीं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। जब स्पीड बढ़ेगी तो मैं अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा, आपको फर्क पता चल जाएगा। मैं अपने आप अनाउंस करूंगा कि बेटा किस दिन स्पीड बढ़ा रहा हूँ, अब ध्यान रखना। तो अपने आप उस दिन हम लोग डबल कर देंगे, फिर उसके बाद 3 टाइम्स कर देंगे। वो अपने आप मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।